प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इंजीनियर प्लस में। तो जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर प्लस जो चैनल है, ये हमारा MRS स्टडी का दूसरा चैनल है। यहाँ पे आपको जो है BCCLE 2024 के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बिहार लैटरल एंट्री, जो कि डिप्लोमा के बाद BTech में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, तभी जाकर जो है आप लैटरल एंट्री के थ्रू BTech कर सकते हैं। और वो आपका 3 ईयर्स का होता है और 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप 10+2 करो, उसके बाद फिर BTech करो, तो JEE मेंस का फॉर्म भर के। तो जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं उन लोगों के लिए एवरी ईयर आपका जो है लैटरल एंट्री का फॉर्म निकाला जाता है। और इस बार 2024 में आपका फिर से फॉर्म निकाला जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है फॉर्म निकालने का, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो नोटिस आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आप मानकर चलो अप्रैल में आएगा, है ना। यहाँ पे आपको पता है आज आपका जो है 20 फरवरी जो है आपका हो गया है, 20 फरवरी हो गया है। अब फरवरी ख़त्म होने में मात्र आपके पास 8 दिन और हैं, 28 फरवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा मार्च, 1 मंथ कंप्लीट। उसके बाद अप्रैल में फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का नोटिस जो है देखने को मिल जाएगा BCC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फॉर्म भरने के बाद आपके पास मात्र 45 दिन मिलेंगे, 45 दिन में ही आपको तैयारी करना है। या इसका मतलब है कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी करना, तो आपके पास लगभग टाइम रहेगा 90 दिन का, 90 दिन यानी 3 महीने का टाइम आपको अभी से आपको मिल जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो मुझे पता है इसमें कई सारे स्टूडेंट वैसे होंगे जो अभी 5th सेमेस्टर में होंगे डिप्लोमा के, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपीयरिंग पे भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका डिप्लोमा 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आपका जो है जो BTech में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी होता है, तो आपका एडमिशन उसी कंडीशन पे होगा जब आपका 6th सेमेस्टर का डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तब। यानी आपके हाथों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आपका 5th और 6th सेमेस्टर में कैरी हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को भर तो देंगे अपीयरिंग पे अभी 5th में, बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर एडमिशन, तो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाइएगा, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर एडमिशन, आपको अगले साल फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब रही बात इसकी तैयारी कैसे करें, और इसकी तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। देखो, इसकी तैयारी आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो बिहार लैटरल एंट्री का सिलेबस है उसके अनुसार। इसमें आपको जो हमारे कोर्सेज मिलेंगे इंजीनियर प्लस ऐप पे, इसमें आपको जो है PYQ जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस किए गए हैं। प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार के जितने भी और इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आपको मिलता होगा। एक प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चैट ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे इस कोर्स में जितने भी लोग इनरोल किए हुए हैं हमारे ऐप पे, उन सभी से आप बात कर सकते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, किस तरीके से कोई पढ़ाई कर रहा है वो आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस होगा A to Z, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एक बार जुड़कर पढ़कर देखिए, डेफिनेटली आपका जो रैंक है अंडर 1000 रैंक आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका UR rank 1 ही आ जाएगा, ये रैंक लाना आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है।
मेरा काम है आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर लेक्चर लेना, इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस देना। मैं आपको गाइडेंस तो दे दूंगा कि आपको 6 घंटे का पढ़ाई करना है, बट जब आप अपने रूम में या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, वहाँ पे पढ़ने के लिए आप बैठे और वहाँ पे आप जो है 1 घंटे पढ़ रहे हो, मैंने आपको क्या सजेस्ट किया? 6 घंटे पढ़ने का, आप पढ़ रहे हो 1 घंटा, क्या इससे आपका रैंक 1 आ जाएगा या रैंक 100 आ जाएगा या रैंक 2 आ जाएगा? नहीं। आपको जो सजेस्ट करूँगा उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे उसमें 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको मैं यहाँ पे 50-50 आप लेकर चलोगे तो भाई आपका रैंक भी तो 50-50 ही आएगा ना। तो वही चीज़ है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मेंटर कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। बाकी रैंक जितना अच्छा से अच्छा आएगा वो आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको आइगन वैल्यू मानकर चलो कि मैं पढ़ा दिया, ठीक है, मैट्रिक्स में। अब आइगन वैल्यू पढ़ा दिया, अब उस पर जो है 10-5 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अब उन 10-5 क्वेश्चंस करने के बाद आपको खुद से भी तो प्रैक्टिस करने होंगे ना। आपको हमारे ऐप पे जो नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, उस चैट ग्रुप में कई सारे क्वेश्चंस भी मैं शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम, उन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ क्लियर होगा। आइगन वैल्यू और रैंक, ये जो दो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का यानी मैट्रिक्स का, उसमें से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस भी पूछा जाता है इन टॉपिक से तो 2 क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, और अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको टॉप करना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 135 से 150 नंबर है ना, 400 नंबर में 135 से 150 नंबर लाना है। अगर आप 135 से 150 नंबर ले लाए 400 में तो आप टॉपर हो जाओगे। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। टर्म्स क्या है कि आपको यहाँ पे जो टेक्निकल इंग्लिश सब्जेक्ट है, इस टेक्निकल इंग्लिश में 200 नंबर में आपको जो है 35 नंबर लाना कंपलसरी है। 35 नंबर बोले तो लगभग 18 से 20%, 18 से 20%, 35 नंबर यानी आप मानकर चलो तो 9 क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में सही हो गया, आपका मैथ्स और मैकेनिक्स में 135 नंबर आ गया तो आप टॉपर हो गए। तो आप टॉप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐप का लिंक जो है इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक स्टोर सेक्शंस मिलेंगे, स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद सर्च करना है BCCLE 2024, तो आपका जो है हमारा कोर्स आ जाएगा, उसे आप इनरोल कर सकते हैं। अभी तक कई सारे स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, आप भी इनरोल करें और अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। थैंक यू।